मैं हूँ सुशील यादव, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है सच्चाई की तस्वीर और मैं आपको दिखा रहा हूँ सच्चाई क्या है। इस वक्त मौजूद है ग्वारीजोर प्रखंड के पास स्थित हूँ और आए कुछ ऐसे पदाधिकारी गण, मुख्य न्यायाधीश गोड्डा से आए हुए हैं, BDO साहब आए हुए हैं, अंचल अंचलाधिकारी आए हुए हैं। मैं उनसे कुछ रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं पुलिस के जानने का प्रयास का उत्साह देखते हुए अच्छा लग रहा है। उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ होगी और हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में भी इसी तरह का प्रोग्राम करते हुए और सभी को लाभ पहुंचाया जाए। प्रखंड का स्तर से बहुत सारी योजनाएं संचालित है, एक अम्ब्रेला के तहत बहुत सारे विभाग हैं, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, स्वास्थ्य विभाग के भी काउंटर लगे हुए हैं, कृषि विभाग, आंगनबाड़ी, इनसे बहुत सारे लाभ लिया जा सकता है। और कुछ योजनाओं के संबंध में जैसे कि कृषि ऋण माफी की योजना, महत्वपूर्ण योजना लाया गया है, इसके लाभों के बारे में हम जानकारी भी ले सकते हैं, मंडल लगे हुए हैं। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए चाहेंगे कि इसे लाभुकों को लाभ देने का कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि राजेश महोदय के हाथों आरंभ किया जाए, चाहेंगे अनुरोध होगा। सर लाभुक तैयार हैं, आपको लोग कार्यक्रम आरंभ करें। यहाँ पे आए हुए सारे लोग लाभुकगण, सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारीगण, जनता के द्वारा नियुक्त किए प्रतिनिधिगण, आप सभी लोग एक सर के नीचे इकट्ठे हैं। आप सबको वेलकम करता हूँ। खालसा के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम जो का संचालन किया जा रहा है, सारा श्रेय ब्लॉक लेवल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया प्रतिनिधि हो, अभी मेरे कुछ लोगों से बात भी हो रही थी, या जो छोटे वार्ड स्तर पे काम करते हो, या आपके विधायक हों, जिन लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस भी तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अपना योगदान दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथ में जो लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, जो भी स्टॉल लगा हुआ है, ये सारा कार्यक्रम आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा जितनी चलाई गई नीतियां हैं, जिनसे आपका कुछ ना कुछ फायदा हो सके, उसके क्रियान्वयन को एक छत के नीचे लाने के लिए किया गया। ये अंत नहीं है, हो सकता है इसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीजें हों जिसकी कमी फिर भी रहे, तो होता यह है कि आपको जिस भी चीज की आवश्यकता है, जो सरकार आपको मुहैया करा सकती है, चाहे वो कानूनी मदद की बात हो या ग्राउंड लेवल पे जिन जिन चीजों की सहायता सरकार के द्वारा की जाती है उसकी बात हो, आप उनसे संपर्क जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, तो उसको हल नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि समाधान अगर आप अभी कोई बनाए तो तुरंत के तुरंत समाधान हो जाए, लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं तो समाधान होने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। अपना अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से संबंधित विभाग यहाँ पर उपलब्ध है तो बहुत अच्छा, अगर संबंधित विभाग किसी भी चीज का उपलब्ध नहीं है, या आपको लग रहा है कि सरकार के द्वारा जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं वो आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो राउंड नहीं है, सालों भर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक DLA से काम करता है, जिला विधिक सहायता केंद्र होता है, यानी आप वहां पे जाके अगर अपनी परेशानी को बताएंगे तो आपका जो परेशानी जिससे संबंधित विभाग से होगा वहां पे उसको भेजा जाएगा। और एक चीज को याद रखिए, जब आप यहाँ पे आए हैं तो भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है, ये उम्मीद नहीं थी, थोड़ा सा दूरी तो फिर भी बनाने की कोशिश करिए, अभी परेशानी है, महामारी की खत्म नहीं हुई। कोई भी चीज का समाधान ना एक प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। आप अगर चाहेंगे कि किसी प्रक्रिया को तुरंत के तुरंत खत्म करके अभी समाधान कर दें, तो कई बार उसमें परेशानियां होती गई।
बार ज्यादातर टाइम परेशानियां होती हैं, क्योंकि जब सरकारी महकमा काम करता है तो एक नियम के तहत काम करता है। आप अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो भी हैं, चाहे वो आप जनता के प्रतिनिधि हों, चाहे सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए कोई भी ऑफिसर हों, हम लोग सारी अपनी अपनी ड्यूटी को करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आप अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करिए। जहाँ पे जो आपको गाइडलाइन बताया जाता है, हर चीज़ का एक तरीका, जैसे अभी मैंने बाहर देखा कि अगर आपको राशन चाहिए तो राशन कार्ड को बनवाना पड़ेगा ना। अगर आप राशन कार्ड नहीं बनवाएंगे और कहेंगे सरकार हमें राशन ही नहीं दे रही है, तो राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें जो कमी होगी वो संबंधित अधिकारी बताएंगे आपको। आप अगर सीधे आएंगे और कहेंगे हमें तो सरकार राशन ही नहीं दे रही है, तो उससे चीज़ों का समाधान नहीं होगा। तो जब मैं इन बातों को कह रहा हूँ, तो सिंपल एक सरल भाषा में इसको ऐसे समझिए, आपका जो कर्तव्य है उसको जरूर करने की कोशिश कीजिए। कम से कम आगे बढ़िएगा, नहीं ना उसका समाधान नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पे देखा मैंने, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है जो आप लोगों के लिए है। थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा फासला बना के जहाँ आपकी जो जरूरत है, पूरे दिन तक ये लगा हुआ है, इतना भीड़ ना बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अब अभी हम लोग सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से जो संपत्ति का वितरण और जो स्वीकृति पत्र का वितरण है, उसमें सबसे पहले धीरे धीरे ये भीड़ भी जमा कीजिएगा।